हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और बखैरियत अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज जो है मैं पहली दफ़ा कुछ इस तरह का व्लॉग बनाने लगा हूँ जो मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया, जिसके ऊपर मुझे दिली अफसोस है, दुख है और दर्द है। उस सिलसिले में मैं आपसे आज बात करूंगा, जिसके ऊपर उम्मीद है कि आप लोग जो है इसके ऊपर अमल भी करेंगे और इस तरह की हरकत ताकि और कभी किसी के साथ नहीं हो पाएगी। आप जान रहे हैं, एक हमारी यूट्यूबर हैं, हमारी टिकटॉकर हैं, बहुत ही अच्छी, मेरे ही शहर बहावलपुर के साथ है हासिलपुर, वहाँ की अलीज़ा शहर की जो है एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी का बाइस है। हम लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्या आप लोग इस चीज़ से बाहर नहीं कर सकते कि अगर कोई हमारे अपने घर की ही कुछ इस तरह की वीडियो वायरल हो तो क्या हम किसी के कमेंट्स में जाके कह सकते हैं कि अगर लिंक दे दें, लिंक दे दें, लिंक दे दें, वीडियो दे दें, वीडियो दे दें, लिंक दे दें। ये बहुत ज़्यादा नाजेबा बात है, ये बहुत ज़्यादा गिरी हुई हरकत है। जिसने भी की है, सबसे पहले तो अलीज़ा को जो है वो देखना चाहिए था कि वो किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करती। जो मर्द उसके साथ बात कर रहा था, आज से 2 साल पुरानी ये वीडियो है, 2 साल पुरानी वीडियो के ऊपर वो उससे ट्रस्ट करके उससे बात कर रही थी। जो जो वो रिक्वायरमेंट कर रहा था, जो जो वो उससे मांग रहा था, वो उसको वही देती जा रही थी। तो उसने आज वो वीडियो वायरल कर दी है, वो उसने वीडियो लीक कर दी है, जिस वजह से हर बंदा, हर एक जो है व्हाट्सएप खोल लें या आप किसी भी किस्म का सोशल मीडिया खोल लें, हर सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो ये वायरल हो रही है। वो पहले भी बहुत ज़्यादा वायरल थी लड़की, और अब मजीद भी हो जाएगी। लेकिन उसके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके रिश्तेदारों पर क्या बीत रही होगी, उसके बहन भाइयों पर क्या बीत रही होगी, इवन कि उस लड़की के ऊपर भी क्या बीत रही होगी। ठीक है, आप लोगों को शर्म करनी चाहिए, आप लोगों को हया करनी चाहिए कि इस तरह की वीडियो किसी की भी अगर लीक हो जाए तो पर्दा कर देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, उसको ना कि मजीद जो है वो गिरा देना चाहिए। क्या हम लोग या आप लोग जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने अपने गिरबान में झांके कि हम लोग पाक साफ हैं, क्या हम लोग खुद कुछ इस तरह से नहीं करते? हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, सब कुछ होता है। किसी पर ट्रस्ट करना, इस तरह का ट्रस्ट लड़कियों को खासकर नहीं करना चाहिए। मेरी आप सबसे इल्तमास है, गुजारिश है कि इस तरह की वीडियो को वायरल मत कीजिए। हमारे घर की वो बहन है, हमारे घर की वो बेटी है, हमारे घर की ही वो है, तो इसी तरीके से कल को आपके घर में भी ये मामलात हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, इस तरह की वीडियो को शेयर मत करें। ये मैं आपके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।